नमस्ते। तो कैसा मजा मैसो। आज मैं बात करने वाला हूँ बवासीर के बारे में। ठीक है, बवासीर जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है, और मेरे एरिया में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, बड़े एज या फिर छोटा एज दोनों दोनों लोगों को हो सकती है बीमारी, और किसी भी इंसान को यार, चाहे वो औरत है चाहे आदमी है, ठीक है, किसी भी इंसान को हो सकती है। ठीक है, दोनों में से किसी भी इंसान को हो सकती है। एंड इसका जो सॉल्यूशन मैंने लोगों को बताया वो 100% काम किया है बहुत सारे लोगों पे। ठीक है, और 6-7 दिन में हो जाता है इसका जो है। ठीक है, तो जो मैंने सॉल्यूशन दिया है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये बीमारी होती कैसे है एंड ये बीमारी का कुछ चेक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको चेक करने का सबसे पहले तो एक तरीका है, छोटा सा तरीका है कि क्या करना है। खड़े होके सबसे पहले तो नॉर्मली जैसे मैं बैठा हूँ उस तरह से बैठे मैं या फिर खड़े होके हंसना है लाइक दिस। ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में तुम्हें 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होना है लाइक दिस, जैसे मैंने दिखाया हुआ है फोटो पे। ठीक है, इस एंगल में खड़े होने के बाद तुम्हें फिर खांसना है। ठीक है, और खांसने के बाद तुम्हें जो खांसी आती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की आती है, थोड़ी अलग से आती है, वो यहाँ से निकलती है लाइक गले से। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है मतलब गंदी सी, मतलब जैसे जैसे जैसी खांसी, एक कुत्ते वाली खांसी कहते हैं ना जिसको, जो अंदर से गले के अंदर से निकलती है, बिल्कुल पेट के अंदर से निकलती है। ठीक है, तो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है वो खांसी। तो उस टाइप की खांसी अगर निकलती है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें बवासीर की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अगर तुम्हें चेक करना है कि यार है कि नहीं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें अगर तुम्हें पता करना है कि है, तो उसके लिए क्या करना है कि खांसी खड़े होके जो खांसते हैं हम वो नॉर्मल आती है, लेकिन अब अगर 90 डिग्री के एंगल में खड़े होने के बाद तुम खांसते हो तो वो भी नॉर्मल आ रही है अगर। ठीक है, जैसे तुम खड़े होकर खांस रहे हो वैसे ही नॉर्मल, वैसे भी उसी उस पोजीशन में भी नॉर्मल आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें बवासीर की प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, ये जो चेक किया जाता है वो एक मेरे फ्रेंड ने बताया था कि जब वो पुलिस की भर्ती में गया था तो उसके मेडिकल टेस्ट जो हुआ था वो ऐसे चेक किया गया था। ठीक है, तो ये करके तुम्हारी इस टाइप की चेक कर सकते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है इसको चेक। ठीक है, दूसरा चीज़ कि तुम्हें कैसे चेक करना है कि यार बड़ी, यार वीडियो बड़ी हो रही है थोड़ी, तो इसको कम करा जाए। ठीक है, तो फास्ट बोलता हूँ मैं थोड़ा। तो उसके बाद क्या करना है, दूसरा चीज़ कि ये होती क्यों है। ये बीमारी इसलिए होती है क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा जो लाल कलर का जो पाउडर होता है, लाल मिर्च का पाउडर होता है, उसका यूज़ करता है अपने खाने में, तो इसका मतलब उसको होने की समस्या, ये प्रॉब्लम होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, उसको हो सकता है। ठीक है, किसी भी इंसान को हो सकता है। तो इसलिए कभी भी खाने में ऐसे इंसान को जिसको प्रॉब्लम हो रही है उसको कभी भी लाल कलर का मिर्च का पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहिए अपने खाने में। एंड दूसरा चीज़ क्या करना है कि अपने खाने में तुम नॉर्मल सी हरी मिर्च का यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत मिर्च का स्वाद लेना है तो। ठीक है, दूसरा चीज़ यह है कि तुम्हें इस तरह से प्रॉब्लम का, समस्या का कभी हल, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा चीज़। और तीसरी चीज़ क्या है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नॉर्मली पहला पहला जो सॉल्यूशन है उसमें क्या करना पड़ता है कि जो दूध होता है, दूध को गर्म कर, जो दूध गर्म होता है, ठीक है, एक दूध है नॉर्मल सा, जो ये कच्चा नहीं है बल्कि, ठीक है, कच्चा दूध को जब गर्म करते हैं उबालते हैं, ठीक है, उबालने के बाद उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, ठंडा करने के बाद तुम्हें क्या करना है, ठंडा कर लिया तुमने, ओके, और ठंडा करने के बाद उसमें क्या करना है, नींबू मिला लेना है। ठीक है, आधा एक आधा नींबू पूरा मिला लेना उसको, और उसके बाद वो नींबू और दूध को पी जाना है, और उसको पीने के बाद पेट के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है जो कि तुम्हारी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, मतलब जैसे बवासीर की प्रॉब्लम हुई है तो उसको बिल्कुल फाड़ देता है वो। ठीक है, और तुम्हारा जो बवासीर की प्रॉब्लम है वो चीज़ सही हो सकती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, जो केला है, ठीक है, केला, और केले में क्या करना है, एक खाने वाला कपूर आता है। ठीक है, एक कपूर होता है जो कपड़ों में डालते हैं वो अलग तो होता है, लेकिन एक खाने वाला कपूर होता है। ठीक है, जो खाने वाला कपूर होता है उसको डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए, उसको केले के साथ मिला के खाना चाहिए। ठीक है, केले के साथ, केले के अंदर दबा के खा जाओ उसको, और उसको खाने के बाद तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सही हो सकती है, दूसरा चीज़। और इसका असर जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसका असर डेफिनेटली
जो दोनों में चीज़ बताई है मैंने, इसका असर डेफिनेटली तुम्हें 7 दिन में देखने को मिल जाएगा, मिनिमम 7 दिन में, ठीक है? और उससे भी कम देखना है तो मिनिमम 3 दिन में भी देखने को मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को हुआ है जितने लोगों को मैंने बताया है, ठीक है? तो दो चीज़ तो हो गई, और तीसरा चीज़ क्या प्रॉब्लम है इसका, तीसरा चीज़ सॉल्यूशन जो है वो है एक भस्त्रिका नहीं बल्कि उसका कहते हैं लाइक जो ये आसन दिख रहा है तुमको फोटो में, इस टाइप का आसन करना है। इसमें क्या करना पड़ता है, पहले सांस लेनी पड़ती है जोर से, उसके बाद उस सांस को छोड़ देना चाहिए, ठीक है? और सांस को छोड़ने के बाद पेट को अंदर करना है लाइक दिस, और उसके बाद जो पेट को अंदर करे रहना है, ठीक है? उसके बाद ये जो उंगलियां हैं इसको टाइट ऐसे लाइक दिस, इसको पेट के अंदर जो नाभि है वहाँ पे दबाना है ऐसे करके, इसको मिनिमम, और सांस नहीं छोड़नी है, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस रोज़ करनी चाहिए इसको, किसी ये प्रॉब्लम जो ये है इसको हर एक इंसान कर सकता है, और इसको लाइक दिस कोई भी कर सकता है, इसको रोज़ मिनिमम 1 मिनट तक पूरा रोक के रखना है अपनी सांस को। या फिर नहीं छूट रही है, छूट जा रही है कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 1 मिनट तक इसको रखे रहना है, ठीक है? इसको 7 मिनट तक पूरा करते रहो, ठीक है? नहीं, 3-4 बार मिनिमम, 3-4 बार सुबह उठ के करो ये चीज़, तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है? सो इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी यार, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो मैं यार टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं मुझे यार लोगों का, मैं इंट्रोडक्शन नहीं देता हूँ भाई अपना, डायरेक्टली पॉइंट पे बात करना पसंद है मुझे, तो यार मैंने किया थोड़ी बहुत, वीडियो बड़ी होगी उसके लिए बहुत बड़ा सॉरी। एंड इस वीडियो को लाइक करना अच्छी लगी तो, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, कर देना, थोड़ा रिजल्ट पता लगता है मुझे कि कैसी लगी वीडियो लोगों को। एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की हजारों वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि यार मैं इस वीडियो में केवल, इस चैनल में केवल तुम्हें लाइफ से रिलेटेड एंड बीमारी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी, तो इन्जॉय। ओके।